आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। सो गाइस, आज के वीडियो में आप अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सोनी साउंड बार Z9F। इट्स ए होम थिएटर, प्योर डॉल्बी एटमोस है। इसके अंदर में आपको डॉल्बी विजन साथ में होता है, DTS एक्स के साथ आया, वर्टिकल सराउंड इंजन के साथ आता है। आगे आपको बताएंगे वर्टिकल सराउंड क्या है। ये हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट करता है एंड 4K HDR मूवी के साथ आप कंटेंट प्ले कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल है। सो आगे बढ़ते हैं इसको अनबॉक्स। सो गाइस, दिस इज Z9F। ये कंप्लीट ये साउंड बार है। आप ये एक्स्ट्रा होता है, ये सैटेलाइट रेयर स्पीकर है। ये आप नहीं भी लगाने से आपका कंप्लीट साउंड बोर्ड है। इसको लगाने से आपको बैक रियर साउंड जो है 5 चैनल साउंड आता है। अदरवाइज दिस इज 3.1 चैनल स्पीकर। इट्स क्रिएटिंग करता है 5 चैनल को वर्टिकली। इसको आप लगाते हैं तो फिजिकल आपको बैक साइड से सराउंड साउंड मिलता है 5 चैनल। इसको आप एड ऑन करेंगे साथ में। इस प्रोडक्ट नेम इज Z9F R। इट्स आर Z9R। तो गाइस अनबॉक्स करते हैं, इसको ओपन करते हैं। मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ उसका साउंड सुनने के लिए। तो अनबॉक्स करके ओपन करते हैं, फिर आगे गाइस अनबॉक्स करते हैं, कट करते हैं। तो गाइस अनबॉक्स कर चुका हूं, इसमें क्या क्या कंटेंट है आपको डिटेल करते हैं। एक साउंड बार आपको निकला है। इसका ये सामने फिटिंग ग्लास, ये फ्लैप है, ये सामने मैग्नेट लगा हुआ है इसके ऊपर में। ये मैग्नेट रहेंगे, कोई स्क्रू का काम नहीं है, जस्ट इसको लगा के आप रखेंगे ऑटोमेटिकली ये प्लग हो जाएगा, ये फिट हो गया। साथ में इसके रिमोट है, मैंने जैसा आपको बताया था ये वर्टिकल सराउंड इंजन के साथ आता है। यहाँ एक बटन दिया हुआ है जिसको आप ऑन करेंगे तो आप वर्टिकली साउंड आपको मिलेगा। इसका काम ये है कि स्पीकर का साउंड पहले फ्लोर टॉप फ्लोर पे जाएगा, सीलिंग पे जाएगा, सीलिंग से आपके पास में वर्टिकली साउंड मिलेगा। सो इसमें बहुत सारे मोड दिए हुए हैं, वो आगे आपको प्ले करके मैं बताऊंगा। तो आगे HDMI केबल है हाई रेजोल्यूशन के लिए, जो 4K 60fps के लिए आपको यूज होगा। ये ERC पोर्ट में आप इसको यूज करेंगे। बैटरी है रिमोट के लिए। ये वॉल माउंटिंग के लिए क्लैंप है, जो आपके बार को यूज करने के लिए है। जब आप टीवी के नीचे लगाएंगे तो ये साथ में क्लिक यूज होगा। इसकी वारंटी पेपर है। वारंटी पेपर के अंदर में आपको इंस्टॉलेशन थ्रू कूपन मिलता है, जिसको आप इंजीनियर से इंस्टॉलेशन कराएंगे, ये कूपन वारंटी के साथ है। यूजर मैनुअल साथ में है। इसकी सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, कैसे ऑपरेशन करेंगे आप सारी चीजें मेंशन है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे। इसकी कंप्लीट सेटअप गाइड है, कैसे आपको फिटिंग करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी डिटेल इस बुकलेट में आपको मिल जाएगी। मैं ये दो सैटेलाइट स्पीकर भी ओपन किया हूँ। ये सेपरेट बिलिंग के साथ आती है, इंटीग्रेटेड इसके साथ नहीं है, वो सेपरेट है। इसलिए इनकी वारंटी पेपर इस बार एंड बूफर का वारंटी पेपर ये कवर करेगा। इस सैटेलाइट का वारंटी पेपर एंड यूजर मैनुअल सेपरेट है, ये सेपरेट वारंटी कवर होता है, ये सेपरेट आइटम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस मैं काफी कॉम्पैक्ट और शानदार फिनिशिंग के साथ है। ये ग्लॉस आपको दिख रहा होगा, ग्लॉस फिनिश के साथ है, ग्लास फिटेड है। आगे आपको मैंने बताया था जो बेजल लगा हुआ है, मैग्नेट फिटेड है, ये जस्ट आप टच करेंगे लॉक हो जाता है। इसकी पावर एंड टच पैनल दिया हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोल एंड ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन, रिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप यहाँ पे दिया है। इसके बैक साइड चलते हैं, बैक साइड भी काफी सॉलिड फिनिशिंग के साथ है। इसकी कनेक्टिविटी आपको दिखाना चाहूंगा मैं। लैंड पोर्ट दिया हुआ है, 2 HDMI इनपुट है, आप 2 डिवाइस ऐड कर सकते हैं। आप टीवी एंड अपने ऑडियो सिस्टम कोई और भी चीजें 2 प्लग कर सकते हैं, 2 इंडोर आपको HDMI प्लग करने के लिए है। 1 HDMI आउट है जो निकल के यहाँ से आपके टीवी में प्लग हो जाएगा। इसके अलावा आपको USB प्लग करने की जगह है, आप यहाँ देख रहे होंगे, और ऑप्टिकल केबल प्लग करने की जगह है,
एएक्सयू केबल भी लगाने की जगह है यहाँ पे। इसकी बूफर के बारे में बताऊंगा, ये ग्लॉस फिनिश है, आपको सामने से ग्लास में चमक रहा होगा, ये फेदर लगा हुआ इसके ऊपर में, बूफर के ऊपर में अच्छा वेट है इसके अंदर, बूफर के अंदर। इसके बैक साइड देखते हैं कनेक्टिविटी, पावर इंटीग्रेटेड है इसका। यहाँ दो बटन दिया हुआ है, जो सैटेलाइट स्पीकर आप यूज करेंगे उसको आप सिंक्रोनाइज एंड लिंक करने के लिए आप रीसेट करेंगे यहाँ पे। इसके बैक साइड में भी आपको प्लगिंग करने के लिए दो बटन दिया हुआ है, जिससे आप लिंक बना के दोनों को कनेक्ट करेंगे। ये सेपरेट यूनिट कनेक्टिविटी के लिए है। सैटेलाइट स्पीकर है, ये रियर स्पीकर है, बैक साइड लगे। इसकी फिनिशिंग भी आपको ग्लॉस दिख रही है, जो बार स्पीकर से मैच करता है, इट्स अल्टीमेट फिनिशिंग के साथ है। ये बहुत प्रीमियर है, एंट्री लेवल प्रोडक्ट नहीं है, प्रीमियर साउंड बार है ये। मुझे नहीं लगता इसके आसपास में कॉम्प्रोमाइज कोई प्रोडक्ट होगा। बस मैं इसको कॉन्फिगर कर लिया हूँ ऑप्टिकल केबल से, आप देख रहे होंगे टीवी के साथ मैंने प्लग कर रखा है, ऑप्टिकल केबल मैं लगा रखा हूँ। ये प्रीमियर साउंड बार है, जिनको घर पे सिनेमा इफेक्ट चाहिए, सिनेमेटिक होम थिएटर जनरेट करना है, उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। आपको रियल फील क्रिएट कराता है सिनेमा हॉल का। सो आगे बढ़ते हैं बॉस, आपको सॉन्ग सुनाते हैं। एंटरटेनमेंट Feel and hear the action all around you. So guys, मैं आपको Dolby Atmos 5.1 sound दिखाता हूँ, उसमें अपन feel करते हैं कैसा sound है। Let's play. सॉन्ग दिखाता हूं, प्ले करते हैं। दिखाते हैं बाहुबली, आपने देखा होगा, उसके साउंड इफेक्ट को चेक करते हैं। लेट्स प्ले। मैंने जैसा आपको बताया है, दिस साउंड बर्स इज सपोर्टेड हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, तो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो प्ले करते हैं। लेट्स सी। सो गाइस, इससे डॉल्बी एटमॉस वर्टिकल साउंड इंजन के साथ ये प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट इसके साथ मैचेबल नहीं है। सो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर नेक्स्ट वीडियो। आते हैं फिर, मिलते हैं, गुड बाय।